मथुरा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल की 252,790 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चंपा इंटर कॉलेज में किया जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट की 184,054 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा व केआर इंटर कॉलेज में किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जनपद में 175 उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं 1,649 परीक्षकों को मूल्यांकन का कार्य 10 दिन में समाप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक परीक्षक को प्रतिदिन कम से कम 45 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के पहले दिन ही जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह GIC इंटर कॉलेज पहुँचे, जहाँ उन्होंने परीक्षकों से मूल्यांकन कार्य के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही उनकी समस्याएं भी जानी। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरों की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराया जा रहा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को मूल्यांकन केंद्रों पर जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही परीक्षक भी अपने मोबाइल मूल्यांकन केंद्रों पर नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन कार्य समय से पूर्ण कर लिया जाएगा, इसके लिए पूरी गति के साथ कार्य जारी है। जनपद मथुरा में 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और KR इंटर कॉलेज मथुरा, जिसमें से चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना है, जिनकी संख्या 252,790 है। इसमें 110 DHEs हैं और 1,093 एग्जामिनर हैं जो कॉपियां जांचेंगे। इसी तरह जो राजकीय इंटर कॉलेज हमारा मथुरा का है, उसमें इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन होना है, जिसमें 95,452 कॉपियाँ आई हुई हैं, जिसमें 33 DHEs बनाए गए हैं और 274 एग्जामिनर हैं। इसी तरह KR इंटर कॉलेज में भी इंटर की ही कॉपियाँ आई हुई हैं, 88,602, यहाँ पर DHEs 32 हैं, एग्जामिनर 282 हैं। टोटल जनपद मथुरा में जो कॉपियों की संख्या है वो है 436,844, जिसके सापेक्ष जो DHEs हैं 175 हैं और एग्जामिनर 1,649 हैं, जिसमें हाई स्कूल की कॉपियों की संख्या जो है वो मैंने आपको बताई। इसी तरह इंटर की जो कॉपियों की संख्या है वो 1,44,054 है और यह कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। 23 तारीख से सभी DHEs की ब्रीफिंग कर दी गई है, क्योंकि पहला दिन है तो पहले दिन की परंपरा अनुसार जो आदर्श कॉपियों का मूल्यांकन होता है वो चल रहा है। ये सारा मूल्यांकन कैमरे की नज़र में हो रहा है, जहाँ लोग कॉपियाँ चेक कर रहे हैं उन सारे कक्षों में कैमरे लगे हुए हैं, जिनका सीधे संपर्क जिला कंट्रोल रूम और राज्य स्तर पर राजकीय कंट्रोल जो राज्य स्तर का कंट्रोल रूम है उससे इनका कनेक्शन है, तो इन पर इस तरीके से कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल का प्रवेश कॉपी चेकते जहाँ कॉपी चेक हो रही है वहाँ पर वर्जित किया जा रहा है और उनके मोबाइल को बाहर जमा कराने की व्यवस्था की गई है। किसी भी अराजक तत्व को या अवांछनीय तत्व को मूल्यांकन केंद्र के अंदर घुसने की अनुमति नहीं है। सशस्त्र पुलिस की तैनाती कर दी गई है, प्रशासन के सहयोग से लॉ एंड ऑर्डर की सारी समीक्षा कर ली गई है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जिस तरह जनपद में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सभी लोगों के सहयोग से कुशलता से संपन्न हुई, उसी प्रकार मूल्यांकन का कार्य भी कंप्लीट करा लिया जाए।